हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए ब्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने गांव वाले घर से। तो गांव वाला नज़ारा कुछ इस तरह का है, बहुत ही अच्छा व्यू है देखने को। और मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, जो बोलते रहते हैं कि आप हमेशा हमें ये गाँव वाला नज़ारा ज़रूर बताइए। तो भाई, मैं, मम्मी और देवरानी जा रहे हैं घास के लिए। तो देखिए, गाँव के लोग कितने मेहनती होते हैं। गेहूँ लोगों ने बीज दी हुई है, और ये रही फूलगोभी, तो ये भी लोगों ने अपने घरों के पास लगाई हुई है सब्जियाँ, साग सब्जियाँ। साथ के साथ आप लोगों ने पपीते का पौधा भी देखा, जिसमें ढेरों सारे पपीते लगे हुए हैं। और खेतों का हाल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि क्या ही बोलूँ मैं अब आपको। बहुत दिनों से बारिश ही नहीं हो रही है, अगर बारिश नहीं हुई तो फसलें जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी यहाँ पर। गांव में जो है लोग अपना जीवन यापन करने के लिए भीड़ बकरियां, गाय भैंस आदि पालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हर घर में या तो गाय है या तो फिर भैंस है। तो कुछ लोग जो है बैलों की सहायता से खेती करते हैं, तो कुछ ने लोगों ने जो है ट्रैक्टर्स वगैरह रख दिए हैं। और ये हमारे घर के पास ही है घर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है, संतरे, किन्नू, और देखिए छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें, साग देखिए लोगों ने बाल्टियों में लगाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी वगैरह। जो देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं है, लोगों ने अपने जीवन यापन करने के लिए ढेरों सुविधाएँ जो है रखी हुई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घास लाने के लिए। तो मैं तो कभी कभी ही जाती हूँ, आप लोगों को पता तो है ही, मैं वैसे स्कूल जाती हूँ। तो स्कूल से आने के बाद फिर मुझे बच्चों को ट्यूशन भी देनी होती है, फिर उसके बाद मुझे खाना वगैरह बनाने का काम होता है। तो मम्मी जो है सारे बाहर वाला काम कर लेती हैं, साथ में देवरानी भी होती है, और फिर जो है मैं घर का ही काम करती हूँ। लेकिन जब कभी मुझे छुट्टी वगैरह होती है तो मैं जो है काम कर लेती हूँ। वैसे आप सभी को पता है कि हमारी बानू जो है कितनी शरारती है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो ये मैंने लकड़ी का पुल आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है, तो ये लकड़ी का पुल जो है, यहाँ छोटे सा एक नाला है, उसको पार करने के लिए लोग साथ के साथ मैं आप लोगों को एक बहुत ही उपजाऊ पौधा बताने जा रही हूँ। तो ये है कपूर मिंजर, जिसको अपनी आंखों में लगाया जाता है और आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो पुराने टाइम में जब लोगों की आंखों में दिखना कम हो जाता था या आंखों में दर्द वगैरह होती थी, तो लोग इसी का जो है उपयोग ज़्यादा करते थे। तो ये पौधा जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह की फलियाँ इसमें लगती है। तो इसको जो है जब भी सुबह सुबह मतलब ओस पड़ी होती है, तो ये ओस जब इस पे पड़ी होती है तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो इसको जो है लगाया जाता है सुरमे की सहायता से, तो बहुत ही अच्छी दवाई होती है ये। तो ये देखिए भी हम लोग जा रहे हैं अभी, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं भी सैर करने वाली हूँ अपने गाँव खेत की। तो यूँ ही बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। बारिश ना होने की वजह से देखिए उतना ज़्यादा घास भी नहीं लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो कई कई लोगों ने पहले, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम लोगों ने जो है घास वगैरह पहले स्टोर किया होता है, कि ताकि फिर सर्दियों के टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो रास्ते कुछ इस तरह के होते हैं गाँव में। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि गाँव में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। गाँव में बहुत ज़्यादा कठिनाई का जीवन जीना पड़ता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चीज़ें यहाँ पे खाने को, रहने को मिलती हैं। सब्जियाँ आप लोग देख सकते हैं कि अब हम अपने खेतों से उगाई हुई सब्जियों का प्रयोग करते हैं। और ये रहे गेहूं के खेत, जो अभी हरे हरे हैं, लेकिन अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो ये बिल्कुल पीले के पीले पड़ जाएंगे और सारी की सारी गेहूं की खेती जो है बर्बाद हो जाएगी। घास के मैदान में हम लोग बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं,
ये रहा हमारे घास का मैदान। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये शेयर किया हुआ है, लेकिन शेयर तब किया हुआ था जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास वगैरह थी, लेकिन अब लोगों ने जो है घास काट के रख दी है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा घास रह गया है जिसको हम लोगों ने काटना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे घास वगैरह काटा और फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद हमारा काम होता है डिनर बनाने का। तो डिनर में आज क्या बनाया जाएगा वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो डिनर में बन रही है आज मूली की भुजिया। तो ये मूली जो है हम अपने खेतों से लेके आए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी होती है। आप लोग देख ही रहे हैं कि मूली के साथ बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी लगी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पे मैंने धो करके इसको अच्छी तरह से बना करके काट दिया है। अब फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तड़का बिल्कुल सिंपल सा लगाना है, पर ध्यान रहे कि तड़का हम लोगों ने जब भी मूली की भुजिया बनानी है तो तड़का हम लोगों ने सरसों के तेल का लगाना है। बाकी ये एक से श्रेष्ठ केंद्र वाले मेरे सेंटर में आए हुए थे, तो बच्चों को सामान वगैरह देना था, बैग वगैरह। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये चलाया हुआ है जिसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में अपने एक ब्लॉग में बताया हुआ है। तो बच्चों को दूध, प्रोटीन, बैग्स, कॉपियाँ सब कुछ आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ मदर्स मैंने बुलाई हुई थी क्योंकि इनके पास मैंने ये सामान देना था बच्चों का, और मुझे ये एक से श्रेष्ठ वालों ने एक टैब दिया हुआ है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? बाकी अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि कल बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। आप सभी को पता है कि अयोध्या मंदिर का कल उद्घाटन होने वाला है। हमारे जो अयोध्या राम मंदिर है वो 21 लाख दीयों से जो है पूरा जगमगा उठेगा और पूरा जो भारतवर्ष है बहुत ही ज़्यादा खुश है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे लिए ये दिन आया हुआ है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं अयोध्या मंदिर, जो हिंदू मंदिर है अयोध्या हिंदू मंदिर, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो भाई सभी अपने घरों में खुश रहें और सभी इस दिन को जरूर मनाएं, मैं यही कहती हूँ। हम लोगों को मनाने चाहिए ये दिन जिसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया हुआ है, और हम बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हम लोग इस जो है इसमें शामिल हैं। तो फिर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है जोरों शोरों पे चली हुई है। ये कार्यक्रम जो है इसकी ढेर सारी तैयारियां की हुई है और तैयारियां हो भी गई हैं, तो हमें इंतजार रहेगा अब कल के दिन का। तो हम लोग सभी लोग अपने घरों से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, तो हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ। बाकी आप लोगों को हमारे ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। बाकी भाई जो ब्लॉग नहीं देखते हैं वो भी अब ब्लॉग देख लीजिए भाई, जैसे मैंने बोला था कि नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रही है तो आप सर्च मार के देख लीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय, टेक केयर।